आप सबने माय नेम इज खान और बर्फी मूवी तो देखी होगी। क्या आपको पता है दोनों मूवी असल में कॉपी थी इस सीरीज की? नहीं पता तो चलो मैं बताता हूँ। एक्स्ट्राऑर्डिनरी अटर्नी वो ये सीरीज होने वाली एक जीनियस लॉयर की, जिसको ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है। ये वो बीमारी होती है जिसमें आप सामने वाले से आई टू आई कॉन्टेक्ट करके बात नहीं कर सकते और उनकी बातों को रिपीट करते और अपनी एक अलग ही दुनिया में रहते हो। ऑटिज्म का हर लोगों के ऊपर अलग अलग साइड इफेक्ट होता है। जैसे बर्फी मूवी में प्रियंका चोपड़ा को ऑटिज्म था, उसका एक अलग साइड इफेक्ट था, और जैसे माय नेम इज खान मूवी में शाहरुख खान को ऑटिज्म था, उसका एक अलग साइड इफेक्ट था। दोनों को ऑटिज्म नहीं, उनके को रिश्तेदार नहीं है। गुरु कोरिया में बनी है वेब सीरीज, मैंने पूरे 2 दिन लगातार इस सीरीज को देखा और भाई क्या ही ऑसम राइटिंग है। मैं बता रहा हूँ, जो भी इसका राइटर है पक्का ये बंदा लॉयर तो रह चुका है, वरना इतनी डेडिकेशन से कोई कैसे लिख सकता है भाई। इस सीरीज की साउंड डिजाइन, एडिटिंग, कैरेक्टर, हिंदी डबिंग सब ऑसम था भाई। दिस इज ट्रू एंटरटेनमेंट ब्रो। मैं बता रहा हूँ, इस सीरीज की लीड एक्ट्रेस यानी पार्क इंजुन को अगर आपने इसके किरदार में देख लिया अटर्नी वो, तो गुरु प्यार हो जाएगा इससे आपको, पक्का भाई हो जाएगा। ये बात मैं लिख के दे सकता हूँ, बस लिखना कहाँ ये बता दो। इस सीरीज के टोटल 16 एपिसोड है और हर एक एपिसोड लगभग 1 घंटे 10 मिनट का होगा, तो भाई आप लोगों को खूब सारा टाइम लेके बैठना पड़ेगा, क्योंकि मुझे खुद 2 दिन लग गए इस सीरीज को पूरा कंप्लीट करने में। वो बात अलग है, इस सीरीज के चक्कर में पिटा बहुत था, उसकी बात नहीं करेंगे। आप लोगों को अपना टाइम इस सीरीज को देना चाहिए या नहीं देना चाहिए या फिर क्यों देना चाहिए, चलो बताता हूँ। इस सीरीज की कहानी क्या होने वाली मैं आपको बेसिक समझा देता हूँ, बाकी तो आप कुछ समझ जाओगे, मुझे पता है यार, भरोसा है तुम्हारे पर, तुम कर लोगे काम। अगर इस वीडियो के बाद जाना है पहले नहीं जाना है। ये कहानी है हु यंग वू की, जिनको ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है, जिनको एक बड़ा अटर्नी बनना है यानी लॉयर, और यही देखने मजा आता है कि जब ये अटर्नी बन के लोगों को केस लड़ती है तो उसको हारती है, जीतती है, क्या दिमाग लगाती है, कैसे करती है, बहुत ही मजा आने वाला। मैं बता रहा हूँ, जज बोलने वाला था कि मेरी कुर्सी पे तुम्हारी जगह है, मैंने महसूस कर लिया था जज के फेस। इस सीरीज में वो सब कुछ है जिसकी वजह से आपको ये सीरीज देखनी चाहिए, तो एक बार जरूर जाकर देखना इसको, मतलब इस वीडियो के बाद जाएंगे। अरे मेरी मेहनत क्यों खराब कर रहे हो फिर से, तुम्हारे लिए तो काम कर ज्यादा हो गया। और यकीन मानो गुरु, मुझे जरा सा भी नहीं लगा कि इस सीरीज के एपिसोड इतने लेंथी है। भाई ये एपिसोड कब खत्म हो जाते हैं पता भी नहीं लगेगा, क्योंकि ये सीरीज है इतनी ऑसम। जिसने इस सीरीज को एक बार देख लिया पक्का दोबारा देखने जाएगा वो सीरीज को। मैं खुद जा रहा हूँ इस सीरीज को दोबारा देखने इस वीडियो के बाद, मतलब बनाने के बाद। ये सीरीज मुझे इतनी ज्यादा क्यों पसंद आई, इसकी 3 वजह है, मतलब 3 वजह है। पहली, जब भी इंसान को अपने घरेलू या बाहर की समस्या से निकलने के लिए कोई नया आइडिया आता है, तो या उससे निकलने के लिए कोई नया रास्ता पता लगता है, तो वो सिर्फ आ जाता है। मगर इस सीरीज में हमको पता लगता है कि जब अटर्नी वो को नया आइडिया आता है या नई सिचुएशन से निकलने का तरीका पता लगता है, तो भाई पता लग जाता है आपको मिनट से पहले कि ये लड़की काम करने वाली है, अपना पूरा पूरा पैसे लेगी मगर काम भी पूरा करेगी, यही है इसकी खास बात। हर बार वेल मिलेगी देखने को, पता नहीं ये कॉन्सेप्ट क्या था मगर मुझे बड़ा मजा आ गया। इस सीरीज में पार्क किंग पिन ने बहुत ज्यादा ओसम एक्टिंग करी है, मैं कहूं वंडरफुल एक्टर थी भाई, और ये देखने पर आपको पता लगता भी है कि भाई ये ओसम लड़की यहाँ पे क्या कर रही है, इसकी जगह तो हॉलीवुड में भाई, मतलब हॉलीवुड में यार, समझ जाओ। इस सीरीज में जो स्टार कास्ट है भाई, प्यार तो करने लगोगे तुम, और ज्यादा समझने के लिए जाके देखो। जिसने मेरी पुरानी वीडियो नहीं देखी, 1 2 3 4 चारों स्क्रीन पर आ गई है ना, तो देख लेना। और ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। ओके टाटा बाय बाय, जा रहा हूँ यार मैं अब तो।